फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बिना तेल के साबूदाना, वो भी एकदम से खिले खिले साबूदाना बन के रेडी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह बनाना है। मैंने यहाँ पे लिया है ही लुक्स कुकवेयर की, ये जो 24 सेंटीमीटर कुकवेयर है, इसमें मैं फ्राई कर रही हूँ सिंगदानों को। और यहाँ पे मैंने पोटैटो कट करके रख लिए हैं, साबूदाना मैंने सोक्ड करके रख लिया है। जब आपका सिंगदाना अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाए, रोस्ट हो जाए, तो इसे आप ग्राइंड कर लीजिए। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हीलुक्स की 24 सेंटीमीटर वाली जो कुकवेयर है इसे लिया है। जैसे कि आप इंडिकेटर में देख सकते हैं, ये इसमें वाटरलेस कुकिंग सिस्टम दिया गया है। इसके सिस्टम बहुत ही यूनिक है, जिस तरह के आप इस वेसल में बिना ऑयल के हम किस तरह से साबूदाना बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने जीरा लिया है और कड़ी पत्ता लिया है, और यहाँ पे लिया है मैंने चिलीज़ को। आपने देखा मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप भी ऑयल ऐड नहीं किया इसमें। और यहाँ पे पैन को सबसे पहले गरम कर लेना होता है और इन सारी चीज़ों को ऐड कर लेना होता है। थोड़ा सा इसे भून लेंगे। जब आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड करके भूनते हैं ना फ्रेंड्स, वो सीरियसली बहुत ही अच्छी एक अरोमा उसकी क्रिएट होती है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ पोटैटो को। जैसे कि आपने देखा मैंने इसे पानी में डाल के रखा था अच्छे से, ताकि उसके जो स्टार्च होते हैं ना वो निकल जाए। सो यहाँ पे देखिए, मैं अच्छी तरह से इस पोटैटो इसे अच्छी तरह से मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं इंडिकेटर पे लगाऊंगी कम से कम यहाँ पे 40 और 60 के बीच में इसका रेशो होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपका पोटैटो रेडी हो जाता है। ये देखिए, ये बटाटे पूरा अच्छी तरह से ये बेक हो चुके हैं। ये बेकिंग सिस्टम का बहुत अच्छा काम करता है। आप देख सकते हैं इसकी जो लॉकिंग सिस्टम होती है, ये बहुत ही अच्छे तरह से हमारे पोटैटो एंड ऑल जो भी आप इसमें करेंगे ना गाइस, तो ये देखिए पूरा ऊपर की तरफ जैसे आप स्टीम देख रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाता है। तो ये कुक हो चुका है। और यहाँ पर देखिए लीड, आप जैसे देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर साइड में लीड रखी हुई है। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी रॉक सॉल्ट को मैंने लिया है, और यहाँ पे मैं सिंगदानों को जो मैंने ग्राइंड किया है उसे डाल दूँगी मैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही बोलते हैं ना, हाइजीन मेंटेन होता है इसमें, हम इस कुकवेयर में अगर बनाते हैं। प्लस साथ ही साथ आपके 92% आप इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी जो होती है ना खाने की, आप उसमें बरकरार होती है। तो आप इसे ज़रूर, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर आपको दिया हुआ है, आप वहां जाके मुझे कॉल करिए। मैं इसकी हर एक डिटेल में आपको जानकारी दूंगी, एंड कुकिंग सिस्टम जो है उसकी वीडियो में अपलोड करते रहूंगी आप लोगों के लिए। एंड फ्रेंड्स देखिए, यहां पे जब ये 60% पर चला जाए तो हमारा कुकिंग आराम से डन हो गया। सॉरी, यहां पे 60 to 80% पे आप हमारा कुकिंग डन हो जाता है। और साबूदाना बनाने के लिए मुझे सिर्फ 3 मिनट का टाइम लगा था। सो 2 मिनट मैंने पोटैटो को पकाए थे और 1 मिनट में यहाँ पे साबूदाना पकाए। तो ये पूरे 3 मिनट के अंदर विदाउट ऑयल आप कुकिंग कर सकते हैं। हीलुक्स कुकर बहुत ही बेस्ट है। आप अगर इसकी फ्री डेमो चाहते हैं, तब भी आप मुझे ज़रूर कॉल करके बताइए। फ्री डेमो आपको प्रोवाइड किया जाता है अगर आप मुंबई में हैं। और ये बहुत ही बेस्ट वेसल है। देखिएगा इस, बहुत ही अच्छी तरह से ये रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। एंड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है। सो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट कुकिंग के साथ में। फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए एंड शेयर करिए इस यूज़फुल वीडियो को।